इंस्ट्रूमेंटल डीजे म्यूजिक बाय प्रदीप कुमार भारती अभिजय लगाड़ा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल भाई के ब्लॉग्स। गाइज, आज का ये ब्लॉग मार्केट पे नहीं है, ना किसी जगह को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज का ब्लॉग घर से ही शुरू हो रहा है और आज का ब्लॉग में हम कुछ खास चीज़ लिए हैं। गाइज, आज हमने लिया है ट्राइपॉड और माइक। गाइज देख लो, दिल का टुकड़ा आ चुका है। गाइज, अब जो ब्लॉग आएगी कुछ यूनिक आएगी और कुछ खास आएगी गाइज। और ये माइक लेने का एक दो साल पहले से, जब मैं यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट किया था तभी से मैं इसे देखता था और आज मेरे पास है। गाइज, यही होता है मेहनत आपका। गाइज, आप जितना मेहनत करोगे आपका सारा ड्रीम पूरा होता जाएगा। तो गाइज, आप लोग भी मेहनत कीजिए। आप यूट्यूबर है तो हम यूट्यूबर के लिए ही बोल रहे हैं ये बात। तो गाइज, उतना ज़्यादा प्राइस का नहीं है लेकिन हम लोग का जितना यूट्यूब से अर्निंग आई है उससे तो ये बहुत बेहतरीन ट्राइपॉड और बहुत सारी चीज़, जितना हमको यूट्यूब से मनी आया उससे हम बहुत सारी चीज़ ले सकते हैं। लेकिन हम नहीं कहते 1,50,000 आ गया, उतना नहीं आया लेकिन जितना आया है उससे हम अच्छा माइक और थोड़ा बहुत अच्छा एक कैमरा ले सकते हैं, अथी मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं। तो गाइज, हमने कोई अलग चीज़ पे अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, जस्ट जो यूट्यूब से आया था हम उसे यूट्यूब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको और भी कुछ चीज़ में इम्प्रूव चाहिए तो हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए। गाइज, आप बोल सकते हैं भाई तुमने पास कैमरा अच्छा नहीं है, तो हम कैमरा में भी कोशिश करेंगे। आप लोग का थोड़ा बहुत प्यार सपोर्ट और रहा तो हम एक कैमरा भी अच्छा परचेज़ कर लेंगे। लेकिन गाइज, अभी तो जितना भी आप लोग प्यार सपोर्ट किए उससे हम एक ट्राईपोड और बोया M1 माइक परचेज कर सके हैं। यूलॉजी का ट्राईपोड है। तो गाइज, से आप थोड़ा बहुत आपको ब्लॉगिंग करके भी दिखाएंगे और अपना थोड़ा कैम का रिव्यू भी देंगे। तो गाइज, चलिए हम आपको ब्लॉगिंग सेटअप पर मिलते हैं। तो गाइज, अभी हम आपको इसका कुछ सिनेमैटिक सीन भी आपको दिखाएंगे, अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। तो गाइज, अभी आप पहले ये सिनेमैटिक सीन एंजॉय करके मेरे पास। जैसा कि गाइज हमने आपको बोला कि आगे हो सकेगा तो हम कैमरा भी या GoPro परचेस कर लेंगे। तो गाइज, ये जो हम लिए हैं भविष्य देख के इसे हम परचेस किए हैं। ये ट्राइपॉड और बोया का M1 माइक, ये DSLR में भी काम आएगी। ये ट्राइपॉड DSLR और GoPro दोनों में ये काम करेगी। तो पहले से इसमें इंप्रूव हो चुका है, अब आगे इसमें कुछ इंप्रूव नहीं होगा। तो कुछ और भी यूलॉजी के कंपनी जो है इसमें कुछ और इंप्रूव करें, लेकिन हमको अब दूसरा जो आप कहेंगे ट्राइपॉड माइक फिर से तुम्हें परचेस करना पड़ेगा, कैमरा आप लोगे तो। लेकिन गाइज, हम कैमरा लेंगे तो ये काम मेरा आ जाएगा, कैमरा और GoPro दोनों में ये काम करेगा। तो गाइज, यही आपको बताना था। तो गाइज, इससे अभी हम आपको थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करके दिखाते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, ट्राइपॉड किस तरह से काम करती है, सारा कुछ आपको इस ब्लॉगिंग में पता चल ही जाएगा इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो चलिए अभी हम आपको ब्लॉगिंग करके दिखाते हैं। तो गाइज़, अभी हम लोग अपने ब्लॉगिंग सेटअप पे हैं और गाइज पूरा माइक और ट्राइपॉड सेट ही है। और गाइज, आपको हम थोड़ा इस माइक का साउंड भी क्वालिटी आपको दिखाएंगे, आप चेक करके बताइएगा। बहुत ब्लॉगर बाइक पे भी ब्लॉगिंग करते हैं तो इस माइक से वो बाइक पे भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो गाइज, अभी हम थोड़ा आपको रन करके दिखाते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो गाइज, अभी हम फुल स्पीड में दौड़ रहे हैं, हवा का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो गाइज, इसमें नॉइस नहीं आएगी क्योंकि हवा का नॉइस साउंड को बहुत ख़राब कर देता है। तो गाइज, बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर देना। अभी हम लोग अपने घर पे हैं। तो गाइज, आपका छोटा भाई रौनक आपके लिए ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।